हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस यहाँ पे हमें जो रिएक्शन कैनी जारो रिएक्शन सो so, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट इज नेम रिएक्शन की कॉन्सेप्ट इज नेम रिएक्शन सो so, नेम रिएक्शन कौन सी होती है uh, ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो uh, जिन जिसने ये डिस्कवर की है उनके नाम पे uh, जो रिएक्शन uh, उनका नाम रख दिया गया सो नेम रिएक्शंस नेम रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस दैट आर दैट आर डिकवर after after तो जिसने वो डिस्कवर की है उसी के नाम पे उनका नाम रख दिया गया है दैट इज नेम रिएक्शन तो यहाँ पे हमें जो रिएक्शन की बने है कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन सो so, जो कैनीजारो रिएक्शन है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है सो so, इस रिएक्शन का जो नाम है ये एक इटालियन केमिस्ट थे जिनका नाम स्टेंसलो और कैनिजारो था उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम कैनीजारो रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में जो इस रिएक्शन को कौन देते हैं इसको ये रिएक्शन एल अल, हमें एलडी के बीच में होती है ऐसी एल डी हाइड्स एल नोट है एल्फा हाइड्रोजन एल डी हाइट्स एल्फा हाइड्रोजन सो ऐसे एलडी इस केमिकल रिएक्शन को देते हैं तो अगर हम इसमें बात करें तो जैसे कि जो हमारे पास वेन्जल है या फोर्मल है तो हम फॉर्मलडी हाइट के एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं इसमें जो रिएक्शन होगी उसमें दो फॉर्मल डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे फॉर्मल डिहाइड की दो यूनिट्स जो कॉन्सनट्रेटिड के ओए एच की प्रजेंस में रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेटिड के ओए एच की प्रजेंस में इसको हीट करने पे जब हम इनको हीट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है एक प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल और दूसरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास एच ओ के जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलते है। हम हैं हम रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है सो so के लिए हम एक फॉर्मेलिटी की यूनिट लेंगे सो so पहले जो एक यूनिट है वो रिएक्शन करेगी KOH के साथ जो हमें KOH. So KOH हमें पता एक base है 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 एक तो वो हमें OH जो उसकी OH है, वो उसकी पे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव दैट मीनस ओ एच जो है वो क्या होगा यहाँ से कार्बन के ऊपर जाएगा. तो जब ये कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा यहाँ से ये बॉन्ड होके, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा कार्बन जिसमें ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन, ओ एच एंड हाइड्रोजन अब इसमें एक और यूनिट हमारे पास आएगी जो हमने देखा दो बेंज़ल, दो फॉर्मलिटी हाइड यूनिट थी तो जब दूसरी जो यूनिट है उसमें भी यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज है अब यहाँ पे क्या होगा जो ऑक्सीजन है जो माइनस ये बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एज अ हाइड्राइड आयन तो अब ये हाइड्राइड आयन जाके पॉजिटिव पार्ट पे जाएगा तो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बने वो क्या बचेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इधर क्या बचा हमारे पास ओ OH. एच और दूसरा जो हमारे पास बचा वो क्या है एक कार्बन है उसके पास तीन हाइड्रोजन है सी एच थ्री ओ माइनस और ये जो हमारे पास के प्लस बचा था ये भी आके यहाँ पे जुट जाएगा तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फॉर्मिक एसिड है फॉर्मिक एसिड और ये एक बेस है तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट में क्या होगा एक हमारे पास सी एच थ्री ओ एच मिथाइल एल्कोहल जो यहाँ से हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जाके नेगेटिव पार्ट पे जाके जुड़ जाएगा जिससे हमारे पास सी एच थ्री ओ एच बन जाएगा और दूसरा जो यूनिट बचेगा वो क्या होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ माइनस के प्लस जो कि एक सोल्ट है तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बन गए मिथाइल एल्कोहल और सोल्ट तो ये हमारे पास क्या थी arrow reaction, hope you understood it well, best of luck.